इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। सेतुबंध हुआ। भगवान अपने इष्ट देव शिव जी की स्थापना करें। बोलिए रामेश्वर भगवान की। सेतु बांध कपि से नदी में होते सागर गयो बसी थी बीरबर जे विधे जिस प्रकार अंगद जी शांति दूत बनकर गए ये कथा सुनाई भोले बाबा ने माँ को राग मुसंद जी ने गुरु जी को। आगे दूसरा दोहर निश्चर की सलरा बरनिस विविध प्रकार कुंभकरण घन नाद कर बल पौरुष कुंभकरण और मेघनाथ का बल पौरुष समापन सब सुना दिया। आगे निश्चरण कर मरण कुंभकर्ण के समापन लक्ष्मण जी को शक्ति प्रसंग सुषेण के निर्देशानुसार हनुमान जी का संजीव लीलाना वापसी मेघनाथ का समापन फिर छठे सातवें दिन पूरी सेना के सेनानियों ने रावण से युद्ध किया। छठे दिन के अंतिम चरण में भगवान ने उसको मूर्छित किया। सातवें दिन देवताओं के राजा इंद्र के सारथी मातली के द्वारा लाए रथ पर आरूढ़ होकर परमात्मा ने रावण को गति प्रदान किया। कल आपको सुनाया था रावण जानता है कि राम जी भगवान है फिर वो समझौता क्यों नहीं कर लिया शरण में क्यों नहीं आया। अच्छे लोग तो अच्छे होते हैं उनका अपना सिद्धांत होता है
लेकिन जो बुरे लोग होते हैं वो भी बहुत अच्छे होते हैं। क्यों? वो इसलिए वापस नहीं आ पाते हैं कि फिर वो सोचते हैं कि यदि मैं वापस गया तो मेरे ग्रुप के लोग क्या कहेंगे। समझ रहे हो? रावण कहता था, देखो मैं आसुरी शक्ति संग्रह किया हूं, यदि मैं उस तपस्वी की शरण में चला जाऊंगा तो मेरा जो समाज है, मेरी जो कीर्ति है, क्या मेरे परिकर कहेंगे, क्या इतिहास कहेगा, मैं वीर हूं, पूरी धरती जीता हूं, मैं युद्ध करूंगा, या तो वो तपस्वी वीर होगा तो मेरे को मारेगा, नहीं तो मैं उसको जीतूंगा। वापस आना सरल काम नहीं है। तो कथा क्या कहती है? इस रास्ते जाओ ही मत। चलते चलते एक सिद्धांत बता देता हूं। थोड़ा कथा सुना करो यार, तुम चाप देखो कितनी पट्टी लगाए रहते हो। कथा नहीं सुनते हैं शिव भैया? सुनिए, बहुत गजब का सिद्धांत दे रहा हूं, जीवन भर स्मरण में रखिएगा, खासतौर से व्यापारी लोग। हमारा कोई धन, हमारा कोई कार्य, हमारी कोई संपदा किसी व्यक्ति के चंगुल में फंसी है, आ गई तो प्रारब्ध, न आए तो उसको पाने के लिए कभी भी किसी दुष्ट व्यक्ति का आश्रय नहीं करना चाहिए। क्यों? दुष्ट व्यक्ति का आश्रय करके यदि आप संपत्ति लेने का प्रयास कर भी रहे हो तो वो आपका काम मान लो हो भी जाए, ये दिवा स्वप्न है, क्योंकि जो स्वभाव से ही दुष्ट है वो आपका ही काम क्यों करेगा? जो आपका हड़प नारायण किया है वो उसी से ना मिल जाएगा? आपको तो देना पड़ेगा, अब सामने वाला तो उसके लिए स्थायी व्यवहार हो गया। अरे आए थे, लेकिन आप चिंता न करना, हम तुम्हारे साथ ही रहेंगे। सर से इधर से भी फीस, उधर से भी फीस, वो 15 और तुम 25, करना भी नहीं। कभी भी अपने किसी कार्य को निकालने के लिए बुरों की संगत नहीं करना चाहिए। इसका दूसरा कारण, बुरा व्यक्ति काम करने के बाद और कहीं नहीं आश्रय मिला तो तुम्हारे दरवाजे की घंटी अवश्य बजाएगा। क्यों? वो अपना दरबार बना लिया, उसने नहीं बनाया, आपने बनवा दिया। इसलिए जो जाए प्रणाम करो, भगवान का भजन करो, भजन करा होई तवन होई हो, जगतिया में कोई नहीं अपना। ये सार है, बाकी बेकार। सिद्धांत, रावण को गति दी प्रभु ने, अग्नि साक्षी करके मां को प्राप्त किया सत्य स्वरूप, प्रतिबिंब में जल गया अग्नि में, विभीषण जी को राज सिंहासन दिया गया, अंतिम संस्कार के पश्चात लाए वस्त्र आभूषण लुटाए, कपिलो पहन के आते हैं, भगवान देखकर प्रसन्न होकर आशीष प्रदान करते। अब भगवान इंद्र के द्वारा अमृत वृष्टि से सब कपियों को आशीर्वाद देकर विदा किए, असुर लोग मुक्त हो ही चुके हैं, ठाकुर अयोध्या चलने की रचना में हैं। सब तो गए हो, जो प्रमुख प्रमुख युद्धपति थे सब भगवान की ओर देख रहे हैं, निहार रहे हैं। अरे अतिशय प्रीति देखे
अयोध्या जी की ओर चल पड़े। रणांगण का परिचय माँ को कराते हैं। आगे बढ़े, इष्ट देव शिव जी का दिव्य पीठ अपने कर से स्थापन किया था। प्रभु ने माँ से कहा, प्रणाम करे, बोलिए रामेश्वर भगवान की। सभी ऋषि मुनियों के पावन आश्रमों का दर्शन कराते माँ को प्रभु लाए। शबरी अम्बा अगस्त्य आदि सभी ऋषिगणों जहाँ स्थान था, जहाँ रुके थे, वहाँ अवध की परिक्रमा लगाकर प्रभु तीर्थराज प्रयाग में उतरे। परमात्मा ने कहा, मैया से देवी त्रिवेणी जी को प्रणाम करिए। माँ ने प्रणाम के बोले, त्रिवेणी मैया की जय, प्रयागराज महाराज की जय। गंगा यमुना सरस्वती का पावन समागम संगम भगवान ने प्रणाम कराया और अब श्री हनुमान जी को भगवान भेजे जाइए अयोध्या जी में। भरत भैया गुरुदेव को संदेशा दीजिए, हम लोग आ रहे हैं। श्री हनुमान जी महाराज चले। यहाँ भरत जी, राम बिरह सागर मोह, भरत मगन मन, विप्र रूप धरि पवन सुत आए गए जन। आ गए भरत जी को देखकर हनुमान जी बोले, भैया बजरंगी लाए राम इसी तरह सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।